Cabinet took a decision with regard to the wage revision of the employees of the CPSEs, जो भी central public sector undertakings हैं, ये कुल मिलाकर 320 CPSEs हैं, जिसके 9.35 यूनियनाइज्ड एम्प्लॉयज हैं। इसके अतिरिक्त नॉन यूनियनाइज्ड एम्प्लॉयज भी हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे। $9.35 लाख तो एक इनेबलिंग डिसीजन होता है कि हर सीपीएससी अपने एम्प्लॉयज के साथ वेज नेगोशिएशंस आरंभ कर सकती है। कुछ सीपीएससीज में ये 5 वर्ष के लिए वेज नेगोशिएशन होता है, कुछ में 10 वर्ष के लिए होता है। हर सीपीएससी को फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसलिए आज कैबिनेट ने सीपीएससीज को अनुमति दे दी टू नेगोशिएट देयर ओन वेज रिविजन with their employees. Cabinet also approved the membership for India of the European Bank of Reconstruction and Development. ये multilateral institution है और हिंदुस्तान इसका member नहीं था, तो हम इसके member बनेंगे। इनिशियली 100 शेयर लेंगे, बाद में फाइनेंस मिनिस्टर को ऑथराइज किया गया कि कितनी शेयर होल्डिंग इंडिया की हो, इसमें नेगोशिएट हम लोग करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2007-8 में सेटअप हुई थी और ये अपेक्षा थी कि इस साल तक वो फाइनेंशियली ऑटोनोमस और सेल्फ सफिशिएंट हो जाती, लेकिन अभी भी उसकी अर्निंग्स में थोड़ा डेफिसिट है और इसलिए उसको जो सपोर्ट है 18 करोड़ का, वो सन 19-20 तक एक्सटेंड किया गया है।